तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने इंस्टाग्राम की रील्स पर थंबनेल कैसे लगा सकते हैं, अपना कवर फोटो कैसे लगा सकते हैं। तो बने रहे वीडियो में एंड तक, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो लेके चलता हूं मैं सीधा अपने मोबाइल की डिस्प्ले पर और बता देता हूं भाई स्टेप बाय स्टेप कि कवर फोटो कैसे लगाया जाता है, जिस वजह से आपके व्यूज काफी बढ़ जाते हैं, आपकी रीच काफी बढ़ जाती है अगर आप कवर फोटो का इस्तेमाल करते हो अपने रील्स के अंदर। वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। तो चलते हैं सीधा मोबाइल की डिस्प्ले पर। आ चुका हूं मैं अपने मोबाइल की डिस्प्ले पर और अब मैं यहां पर आपको एक रील्स अपलोड करके दिखाऊंगा और उस पर हम कैसे एक कस्टम कवर फोटो लगा सकते हैं और कंप्लीट मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर प्लस का निशान पर यहां पे क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद यहां पर मैं ये पोस्ट यहां से कर सकते हैं रील्स, तो हमें रील्स पर जाना है। रील्स पे मैं अपलोड, रील्स पे आने के बाद हम यहां पे अपनी खुद की भी रील्स बना सकते हैं। और मैं अब यहां से कोई अपनी रील्स देख लेता हूं कि मेरे को क्या अपलोड करना है इसके अंदर। तो मैं यहां से ये और ऐड करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अभी प्रोसेसिंग चल रही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर इसको प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू, और प्रीव्यू करने के बाद नेक्स्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। और इस तरह के इंटरफेस में आपको क्या करना है, यहाँ पे कवर फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप एड फ्रॉम गैलरी, अगर आप कोई गैलरी से इसके ऊपर कोई इमेज लगाना चाहते हो, मतलब अपना कोई थंबनेल्स आपने बनाया हुआ है कोई टैक्स वैक्स लिख करके, तो वो भी आप यहां से ले सकते हैं। और अगर आपने ऐसा कुछ नहीं बनाया हुआ तो आप वीडियो के अंदर से भी कहीं से भी कोई भी थंबनेल जो भी मतलब आप कवर फोटो लगाना चाहते हो वो आप इजीली से लगा सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा और यहां से इसके बाद इसको डन कर देना है। डन करने के बाद जब आप वहाँ से शेयर करोगे तो भाई वो वहाँ पर पब्लिक हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको थंबनेल लगाना आ गया होगा, कवर फोटो लगाना आ गया होगा इंस्टाग्राम पर। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।